हे गाइस, वेलकम अनवेलकम चैनल जहां हम पढ़ेंगे और आप समझेंगे। इस वीडियो में मार्क्स देखने वाले बेसिस 12 के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, और आप कह सकते हो कि फाइनल आप एग्ज़ाम से पहले जो आप एक रिव्यू लेते हो वो इस वीडियो में मिलेगा। वीडियो को एंड तक देखना एंड वीडियोज़ को प्लीज़ लाइक कर दो यार। हमेशा आप लोग लाइक नहीं करते, लाइक में कंजूसी करते हो, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दो, अपने फ्रेंड्स सबके साथ शेयर करो। सो इस वीडियो में हम आज देखेंगे कि BCS जो 12 है, बहुत ये फर्स्ट सेमेस्टर का बुक है, और फर्स्ट सेमेस्टर वाले हमेशा कंफ्यूजन में बहुत ज़्यादा रहते हैं कि क्या है, क्यों है, कैसे है, कितने मार्क्स के हैं, कितना क्वेश्चन होता है, कैसे अटैम्प्ट करना होता है ना। तो आज मैं आप लोग के सामने जून 2021 के क्वेश्चन पेपर को लाई हूँ, क्योंकि आप इंटरनेट पे ढूंढोगे तो आपको ये जो है आपको जून 2021 के क्वेश्चन पेपर नहीं मिल पा रहा है, ठीक है। तो ये मैंने निकाला है ढूंढ के। सो ये जो पेपर है ये आपका मैथ का पेपर है, आई होप यू नो एंड यू नो दैट। एंड ये जो है मार्क्स इसके 100 के होते हैं, जिसमें आपको पासिंग मार्क्स 40 के होने चाहिए, ठीक है। एंड ये 3 आवर का पेपर होता है। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन जो होता है आपको अटैम्प्ट करना होता है, मतलब उसमें से आप कोई क्वेश्चन को रेस्ट नहीं कर सकते हो, स्किप नहीं कर सकते हो, ठीक है। मतलब एज यूजुअल जब नहीं आ रहा तो आपको छोड़ना ही होगा, है ना। तो बट इसमें जो होता है कि आप एक नॉर्मली जो क्वेश्चन होता है ना कि ये ऑप्शनल होता है, उसमें वन नंबर क्वेश्चन में कोई भी ऑप्शनल क्वेश्चन नहीं होते, आपको वन नंबर कंपलसरी एक ही बनाना होता है। इसमें आपको फाइंड करना है ए और बी का, ठीक है। ए और बी स्क्वायर इज एन इक्वल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब इसको आप वो फॉर्मूले के थ्रू पे मत बनाना, क्योंकि वो ऐसे नहीं है। ये इसमें आपको ए और बी का स्क्वायर करना पड़ता है, पहले ए का स्क्वायर करोगे फिर बी का स्क्वायर करोगे, और ए का अलग स्क्वायर निकालोगे फिर बी का अलग स्क्वायर निकालोगे, है ना। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। बी नंबर क्वेश्चन करता है ए बी निकालने के लिए। ए बी आप लोग पढ़े होंगे, आप लोग को ए बी ओ पी ऐसे है, आर पी ऐसे कुछ, तो वो जो है आपको पढ़ना मैथमेटिकल प्रोग्रेशन में से क्वेश्चन आता है हमेशा, कुछ ना कुछ आ ही जाता है, कभी एन निकालने के लिए आ जाता है, कभी टर्म्स निकालना होता है, ठीक है। तो इसमें आपको एन निकालना होता है, सम ऑफ द सम टू एन टर्म्स निकालना होता है, तो इसको आप लोग देख लेना। एंड ये जो क्वेश्चन है आपका ये सी नंबर, ये शायद कॉम्प्लेक्स से है, और ये कॉम्प्लेक्स वाला क्वेश्चन शायद ही क्वेश्चन पूछता है कॉम्प्लेक्स से, मतलब कॉम्प्लेक्स से एक क्वेश्चन रहता है हमेशा, ठीक है। डिटरमाइन इंटर मैट्रिक्स से भी हमेशा क्वेश्चन रहता है, एटलीस्ट उसमें से 40 मार्क्स या 30 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं डिटरमिनेंट और मैट्रिक्स से मिलाकर, ठीक है। इसमें अल्फ़ा और बीटा का रूट है, और अल्फ़ा बीटा का स्क्वायर निकालना है, जिसका मान जो है 10 के इक्वल होना चाहिए, ओके। यानी जो के का मान होना चाहिए वो अल्फा बीटा के 10 के इक्वल होना चाहिए, ठीक है। ई नंबर में भी इसी तरीके से क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप इस सब क्वेश्चन को जो PDF है हमारा, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं सॉल्यूशन में जो रिव्यू डालेंगे वो भी आपको जो है PDF वगैरह वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पे आपको ये क्वेश्चन दिया हुआ है, जिसका ये जो आपको मान निकालना है कुछ इस तरह का से तरीके से निकालना है, ये आपके सॉल्यूशन है, ठीक है। ये एक वन टाइम रिव्यू है, आप लोग एक बार एग्ज़ाम हॉल में जाने से पहले आप इसको चेक कर सकते हैं, ठीक है। रिव्यू डाल सकते हो, जैसे कि आपको अपने क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना, मेथड यू नो जो होता है ना वो आप लोग इसमें से कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है कि कंडक्ट द 2 × मैट्रिक्स निकालना है, जिसमें ए का मान इसको में दिया हुआ है, आपको ऐसे क्वेश्चन देता है। बट ये क्वेश्चन हमको लगता है नहीं देगा, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इजी हो जाता है, तो इजी ऑब्वियस नहीं देगा ये। सेकेंड नंबर का जो ये 2 नंबर जो है वो पूछ सकता है, हमेशा पूछता है, ठीक है। उसके सॉल्यूशन भी आपको यहाँ से ऑब्वियस मिल जाते हैं, ठीक है। 3 नंबर क्वेश्चन में मैथमेटिकल इंडक्शन निकालने के लिए, जो कि इंपॉर्टेंट होता है, आपको पूछता है, इसी में AP और APs वगैरह आते हैं, नहीं शायद AP का एक अलग ही चैप्टर है, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है आपको ऐसे दिया रहता है, जिसमें कभी आपको एन निकालना होता है, ठीक है। या आप लोग इसको करने का बस 2 मेथड है, बेसिक मेथड और इंडक्शन मेथड। वो दोनों मेथड मिला के जो आप लोग पहले एन का मान निकालते हो, फिर के का मान, एंड देन लास्ट में उन दोनों को इक्वल कर देते हो, ठीक है।
RHS is equal LHS. वो मैथमेटिकल इंडक्शन बनाने के बाद ये जो आपका एक छोटा सा रिक्वायर होता है कि आप उसमें यू नो थोड़ा सा कुछ लिखो, जैसे कि या हियर द प्रूफ, हेंस प्रूफ दैट द टू टाइप्स ऑफ रिक्वायर्ड प्रूफ प्रूफ बाय मैथमेटिकल इंडक्शन हैज़ बीन कंप्लीटेड एंड सो आवर द स्टेटमेंट इज ट्रू ऑफ अ नेचुरल नंबर ऑफ एन. ठीक है, अब इसमें पूछता है कि फाइंड द सम ऑफ टर्म्स अ सीरीज. तो इसमें से आपको पूछता है तो आप इस तरीके से 5 का निकाल सकते हो, कभी 7 का पूछता है, कभी क्या कहते हैं 9 का पूछता है, तो आप इस तरीके से उसको निकाल सकते हैं. ठीक है, इसमें सारे क्वेश्चन के सॉल्यूशन आपके दिए हुए हैं. ठीक है, एंड अब मैं बोलूँगी PDF आपको मिल जाएगा, ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. तो मैं ये कहना चाहूँगी कि आपको जो नोट्स होते हैं ना, नोट्स अगर आप ये वीडियो एक दिन पहले देख रहे हो तो आप लोग प्लीज़ ये जो नोट्स मैं दे रही हूँ उसको कंप्लीट करके जाना. लास्ट दिन जो है वो नोट्स ये कंप्लीट कर लेना, ताकि आप लोग को इजी वे में प्रैक्टिस हो जाए. जितना हो सके आप उतना प्रैक्टिस करो, क्योंकि मैथ जो आपके प्रैक्टिस के ही लिए होता है. तो आप जितना हो सकता है वो मैथ को प्रैक्टिस करोगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, उतना अच्छा होगा. और ये तीनों PDF हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे. अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी मतलब चाहते हो कि 9-10 साल के आपको मिल जाए, सॉल्यूशन नहीं दे पाऊँगी क्योंकि बहुत टाइम वेस्ट हो चुका है, मतलब अब कल एग्ज़ाम है आप लोग के, तो सॉल्यूशन तो नहीं, बट आपके क्वेश्चन पेपर जरूर दे दूँगी. और ये सॉल्यूशन जो है मेरा ये, और मैं इसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी ताकि आप रिव्यू एक ले लो एग्ज़ाम हॉल में जाने से पहले. ठीक है, तो वीडियो उसको लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना. ठीक है, जब तक यहाँ तक आप लोग देख लो ये वीडियो, तो इसमें 2 नोट्स हैं जिसमें से आपको दोनों नोट्स कर लेने हैं. आप लोगों के लिए बहुत ईजी हो जाएगा पेपर देना, और बहुत हार्ड नहीं होता है. आप रिलैक्स होकर जाना एग्ज़ाम हॉल में हंसते हंसते, और हंसते हंसते वापस आना कॉपी लिख के. ठीक है, सो ठीक है, तो ये रहा जो ये जो क्वेश्चन होता है ना, इसमें से हमेशा पूछता ही पूछता है कि आपको सॉफ्टवेयर, इसमें से 4-5 ही क्वेश्चन होते हैं जो हमेशा रिसाइकल करते रहते हैं, मतलब साइकिल में जाते हैं, कभी ये कभी वो, है ना. तो ये 4-5 ही क्वेश्चन अगर आप क्वेश्चन पेपर प्रीवियस ईयर के देखे होंगे तो आप लोग को पता होगा. ठीक है, तो ये देख लेना, बहुत इजी वे में सॉल्यूशन हो जाता है. और सॉल्यूशन ऑलरेडी है वो जो मैं PDF डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी. इवैल्यूएट करना सीख जाना, एंड लास्ट में जो है यहाँ पे आपको फाइंड द वेक्टर ऑफ वेक्टर एंड इक्वेशनल कुछ करके ऐसे है. ये बहुत इजी वे में निकल जाता है, इसके 3 स्टेप हैं जो कि पॉइंट वाइज आप करके लिख लेना. ठीक है, बहुत इजी वे में निकल जाएगा आपके ये जो पेपर है. ठीक है, तो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स. एंड और क्या कहूँ मैं, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आपको कंपलसरी होता है. और ये जो आपके 4-5 होते हैं, 4 क्वेश्चन जो होते हैं आपके, उसमें से आप एक रेस्ट कर सकते हो और बाकी 3 को लिख सकते हो. ठीक है, सो एंड दिस वीडियो, एंड ऑफ द वीडियो मैं आप लोग को ऑल द बेस्ट कहूँगी, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो उसको लाइक किए बिना मत जाना. एंड स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, टेक केयर, बाय बाय.